अगली खबर में बात करते हैं चित्रकूट की, जहां पुलिस ने शराफा व्यापारी से लूट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3,50,000 रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई। बुधवार को एएसपी अतुल शर्मा ने घटना का खुलासा किया। एएसपी ने बताया कि 5 अगस्त को हिमांशु सोनी निवासी राजापुर रामनगर से दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। छीबो पुल के पास 8 बदमाशों ने उसे रोक लिया, मारपीट करके नकदी समेत सोने चांदी की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। बदमाश जल्दबाजी में अपनी बाइक घटना स्थल पर ही छोड़ गए। हिमांशु सोनी ने रैपुरा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाइक की मदद से सत्यम गुप्ता, अजय कुशवाहा, शैलेन सिंह, अमित साहू और मुकेश पाल को गिरफ्तार कर लिया। 3 फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एएसपी ने कहा कि जल्द 3 फरार बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। एसओजी टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया है। एसओजी प्रभारी एमपी त्रिपाठी ने बताया कि 5 बदमाश बांदा के रहने वाले हैं। 5 बदमाश अवैध असलहे के साथ नई घटना को अंजाम देने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर नोनमई ग्राम पंचायत के पास आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। शाम की घटना है, जिसमें कि बम भोले ज्वेलर्स नाम से एक दुकान है रामनगर में, और उसी पर ये चाचा भतीजे दो काम करते हैं, मांशु सोनी और कांता सोनी। ये लोग अपनी दुकान बंद करके शाम को वापस आ रहे थे जब ये घटना हुई थी। इस घटना में करीब उन्होंने बताया था कि कुछ उनके सोने और चांदी के जेवरात हैं और कुछ कैश गया है। तो इसमें हमारी तरफ से 2 टीमें गठित की गई थी, एक एसओजी प्रभारी के अंडर और एक इंस्पेक्टर रायपुरा के अंडर। दोनों टीमों ने बहुत ही जल्दी इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें टोटल हम लोगों ने अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके पास से 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुई थी वो बरामद हुई। ज्वेलरी बरामद हुई है, करीबन हम लोगों ने 100% ज्वेलरी इसमें बरामद कर ली। कैश जो है वो अभी तक, हाँ, इसके कैश के बारे में जो 5 लोग पकड़े गए इनसे अभी तक ये नहीं पता चला, ये लोग मना कर रहे हैं, पर अभी इनके और साथी 3 लोग इसमें अभी फरार हैं, तो उनके गिरफ्तारी पर इस बात का पूरा वो करा जाएगा कि अभी वो कैश कहाँ। तो हम लोग की तरफ से इसमें 5 लोग गिरफ्तारी के साथ साथ इसमें 3 तमंचे भी बरामद किए हैं हमने, कारतूस हैं इनके पास, जो कि ये लोग कल शाम को ये लोग एक और घटना कारित करने के लिए इधर की तरफ आ रहे थे, तो इनके पास तमंचे से लैस थे, वो हम लोगों ने 3 तमंचे गिरफ्तार कर लिए और इनकी निशानदेही पर हम लोगों ने ज्वेलरी बरामद की है। बाकी अभी हम लोग इनसे पूछताछ करके जो बाकी 3 इनके अभियुक्त जो उसमें थे पिछली घटना में, उनको भी गिरफ्तार बताया जा रहा है कि ये 5 लोग बबेरू, अभी इसमें 3 लोग बाकी शेष। क्या सचिन पे और भी मुकदमे दर्ज है क्या पहले से, किस तरह घटना उसकी अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं।